डॉक्टर साहब, मैं 4 हफ्ते पहले बाहर गया था, वहाँ से आने के बाद में मेरे को पूरे शरीर में खुजली हो रही है। ये खुजली एक त्वचा की बीमारी है जो संक्रमण से फैलती है। मैं डॉक्टर विपिन, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर, कंसल्टेंट फिजिशियन। खुजली जो है त्वचा की एक बीमारी है जो खाज यानी स्कैबीज, आज हम स्कैबीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खाज स्कैबीज एक पैरासाइट की वजह से होता है, जिसको हम नाम देते हैं स्कैबीज डैक्ट्रोफिलस। स्कैबीज की वजह से जो बैक्टीरिया वो पैरासाइट होता है, वो अपने चमड़ी के अंदर जो है वो आता है और छोटे छोटे एक बरोज अपने बना देता है, जिसको हम घोंसला कहते हैं, उसके अंदर रहता है। उसके अंदर जाने के बाद में वो अपने अंडे देते हैं, और अंडे दे करके जो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका पैरासाइट का, और उसकी वजह से जो है बॉडी के अंदर खुजली होती है। तो बेसिकली स्कैबीज एक पैरासिटिक डिजीज़ है, एक जिसको हम कहते हैं जो पैरासाइट ऊपर से शरीर के ऊपर रह करके, हमारे ऊपर रह करके, चमड़ी के अंदर रह करके वो बीमारी फैलाता है। खाज जो है एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, उसमें खुजली जो है पूरे शरीर में होती है। ख़ास तौर से स्टार्ट जो है जब होता है, शुरू जब होती है, तो कान के पीछे से, गर्दन से होती हुई, फिर जो है ये अपने उंगलियों के बीच में है, कांखों में है, एक्जिला में है, अपने अंडकोश के ऊपर है। तो ये एक तरह से वहाँ पर जो है वो पैरासाइट जो है इकट्ठा होकर के वहाँ पे एक अपना घोंसला टाइप बना लेता है, एक बरोज बना लेता है। वहाँ पर उसके अंडे पैदा होते हैं, और अंडों के साथ में जब वो उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसका जो प्रोटीन होता है, उससे पूरी बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है और वो जो है खुजली करता है। तो खाज का लक्षण जो है ख़ास तौर से खुजली होती है और पूरे शरीर में होती है, और ये रात्रि के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि रात में जो है वो जो पैरासाइट है उसके मूवमेंट्स या उसका विस्प बनता है, मूवमेंट होता है, तो उससे ज़्यादा रात में खुजली होती है। खाज जैसे एक त्वचा की बीमारी है, तो ये एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ संबंध होने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। क्योंकि एक त्वचा रोग है, जब भी हम अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नहाने की वस्तु चीज़ें हैं, या आपने तौलिया है, या आपने इस्तेमाल की जो है वो साबुन वगैरह है, या जो बेड शीट्स हैं उनके ऊपर जब ये बरोज रहते हैं, ये काफ़ी टाइम तक वहाँ रह भी जाते हैं और जीवित रहते हैं, और ये जब किसी दूसरे के संपर्क में आते हैं और जब वहाँ बॉडी पे एडियर होते हैं, तो वो ये संक्रमण फैलाते हैं। निदान चूँकि त्वचा रोग है, तो बाहर से दिखने वाली चीज़ है, जैसे ही मरीज को हम देखते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसका जो है हम परीक्षण करते हैं, उसको पूरी पूर्ण रूप से देखते हैं, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें पूरा उसको काफ़ी अंदर तक देखना होता है। देख करके हम ये उसके अंदर जो बरोज होते हैं, या उसके घोंसले होते हैं, या निशान होते हैं ऊपर जो दाने बनते हैं, उनको हम देख करके इसका डायग्नोसिस, उसका बीमारी का पता लगा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई जाँचों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी ये बीमारी जो है इसका चमड़ी के ऊपर से स्कैब जो है खुरच करके चमड़ी का जहाँ पर भी जो दाने हुए हुए हैं वो ले लेते हैं, और फिर हम माइक्रोस्कोप में देख करके अंडों से पता लगा लेते हैं कि ये बीमारी खाज की है, और फिर हम उसका प्रॉपर इलाज कर देते हैं। खाज की बीमारी का निदान जो है वो हम परीक्षण के द्वारा ही कर लेते हैं, उसमें जाँचों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। खाज चूँकि त्वचा की बीमारी है, अब देखिए बहुत ज़्यादा इसमें जो है दवाई जो है लोकल जो है अपन पूरे शरीर में लगाने की ट्यूब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो वो जो है उसमें क्रीम आती है परमेथ्रिन, जो पैरासिटिक को किल करती है, तो वो हम गर्दन के नीचे नीचे पूरे शरीर में लगवाते हैं।
एक बार लगाते हैं, उसको लगाने का तरीका यही है कि पूरे गर्दन के लगाएं और पूरे शरीर में, उंगलियों के बीच में, कांखों में, अपने इसमें जांघों के बीच में, ग्लूटियल जो है, हिप्स के बीच में जो है फोल्ड्स हैं उसके अंदर, किनारों सब में लगा करके, और उसको 6 से 8 घंटे तक कम से कम दवा को लगा रहने देते हैं। दूसरे दिन जो है अच्छे से जो है बाथ ले लीजिए, तो एक तो वो है। दूसरा, जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बेड शीट्स हैं, अपने पहनने के कपड़े हैं, उन सबको जो है गर्म पानी में धोना चाहिए और धो कर के गर्म तेज़ धूप के अंदर सुखाएं, जिससे उसके अंदर जो अंडे बचे रहते हैं वो ख़त्म हो जाएं, और इससे जो है संक्रमण भी नहीं फैलेगा और इलाज भी हो जाएगा। दवाइयों में हम जो है एंटी पैरासिटिक जो है वो कीटाणु मारने की दवाई देते हैं, जिसका आइवरमेक्टिन नाम है, और वो 0.2 mg/kg के हिसाब से दी जाती है, और 2 डोज सिंगल डोज दे करके, जिसमें ज़्यादा हो तो 2 डोज दी जाती है, और वो वीकली रिपीट कर सकते हैं। संक्रमण जो है इसके अंदर चमड़ी के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, अपने आप में अंडे देते हैं, वो अंडे जो है निकल करके जो है वहाँ बरोज से या उनके घोंसले से निकल के फैलते हैं। तो जब वो अंडों का किसी के संपर्क में आते हैं तो ये बीमारी एक दूसरे से फैलती है। या पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे तौलिया है, या फिर जो है आपका ब्रश, ये आपके स्किन साफ करने के मटेरियल्स हैं, तो उन चीज़ों से ये एक दूसरे में फैलता है। तो इनको जो है एक दूसरे का यूज़ नहीं करना चाहिए। बेड शीट्स जो हैं उसमें बरोज रहते हैं, तो बेड शेयर नहीं करना चाहिए। जब भी आप वो करें तो उसको चेंज करें, उसको बदलें, और उन कपड़ों को जो है गर्म पानी में धो करके और धूप में, तेज़ धूप में सुखाएं, जिससे उसके अंडे भी ख़त्म हो जाएं और संक्रमण से बच सकें। चूंकि ये अंडे दूसरी सतहों पर भी रहते हैं तो उनको भी साफ़ करें, हैंड वॉश प्रॉपरली करें, जिससे अंडे एक जगह से दूसरी जगह न जाएं। दूसरा, ये खाद जो है बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है, घबराने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी होती है तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और भीड़भाड़ वाली, इसमें एक यही है कि भीड़भाड़ वाली जगह या बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं, वहाँ से बचें।